डब्ल्यूसी जानते ना, वाटर कूलर। मालूम है ना, पाकिस्तान में बहुत बड़ा एक वाटर कूलर का ब्रांड है, उसको बोलते हैं रहबर। जरूरत करे इस क्लिप में रहबर से हरगिज हरगिज, रहबर इंकलाब मुराद नहीं है। फिक्र ख्याल में भी ये बात नहीं आई थी कि लोग इससे इस तरह का मफहूम निकालेंगे, बल्कि रहबर से मुराद पाकिस्तान के वो चंद अफराद हैं जो रहबरी के नाम पर शिया सोसाइटी में यानी इंतशार फैला रहे हैं और बहुत सारे मसाइल ईजाद कर रहे हैं। इधर कुछ दिनों से क्लिप हमारे बिरादर अजीज आगे डॉक्टर शबीर रिजवी की गूंज रही है। जो बातें उन्होंने बयान की हैं, जाहिर सी बात है कि वो बातें उनको नहीं करना चाहिए थीं, लेकिन सब कतल लसानी है जिसमें हो गया, उस सिलसिले में वो माजरत चाह चुके हैं। अब चंद सवाल। शबीब रिजवी ने एक क्लेम किया है कि उन्होंने रहबर इनकलाब के बारे में कुछ गलत नहीं बोला, जबकि मौलाना अहमद अली आबदी साहब ने उनके लिए माफ़ी मांगी है। ये भी कहा कि शबीब रिजवी माजरत कर चुके हैं। ऐसा लगता है कि मौलाना ने शबीब की क्लैरिफिकेशन वीडियो नहीं देखी और बग़ैर उस वीडियो को देखे ही बेबुनियाद हिमायत और वकालत कर दी शबीब रिजवी की। वहीं दूसरी जगह पर मौलाना अहमद अली आबदी ये कहते नज़र आए कि उन्हें ये नहीं कहना चाहिए था, यानी शबीब रिजवी को ये नहीं कहना चाहिए था, ऐसा नहीं कहना चाहिए था, जबकि शबीब ने कभी भी इस बात का इतराफ़ नहीं किया कि उन्होंने कुछ भी गलत बोला है। मौलाना अहमद अली आबदी साहब से गुजारिश है कि पहले शबीब रिजवी के साथ बैठकर ये समझ लें कि उसने क्या हरकत की है, क्या बोला है, और फिर उसकी उसके लिए बयान दें, उसकी वकालत में बयान दें, क्योंकि हम सब समझ सकते हैं कि कौम को लफाजी नहीं चाहिए, हकीकत चाहिए।